हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम अमित फ्रॉम गुरुदेव कोचिंग सेंटर लाल कुआ गाजियाबाद। बेटा, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, जो कि पीएन जंक्शन डायोड होगा और पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वोल्टेज करंट के बीच में रिलेशन, ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है प्रैक्टिकली, और जो थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, क्लास ट्वेल्थ का ये अच्छा खासा टॉपिक है, तो बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दें। ये है आपका टॉपिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉपिक है बच्चों वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वैसे तो आपको पता ही होगा सभी को कि जंक्शन डायोड है क्या, पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं। जब बेटा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर दिया जाता है तो डायोड बन जाता है, जब दोनों ही हम सेमीकंडक्टर्स को मिला देते हैं। कौन कौन से? पी टाइप और एन टाइप। तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि सर ये पी टाइप है और ये क्या है? एन टाइप। इधर पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है कि आपके जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दिस केस एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होती हैं? इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी क्या होती हैं? हमारे होल्स होते हैं। तो बेटे, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हमें एक मिलता है न्यू फिगर, जिसे हम डायोड का सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं कि सर ये एक डायोड बन चुका है। ये रहा आपका, ये है पीएन जंक्शन डायोड, जिसका ये पार्ट क्या है? आपका एनोड, और ये क्या है? कैथोड है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, दो तरीके के डायोड होते हैं, एक है सिलिकन और एक है आपका जर्मेनियम। ठीक है, तो बेटा ये सिलिकन जो होता है, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज या कट इन वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका सिलिकन का 0.7 वोल्ट, और इसका कितना होता है? 0.3 वोल्ट। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि कट इन वोल्टेज क्या है सिलिकन डायोड का, तो बेटा याद रखना 0.7 वोल्ट है, इतना वोल्ट दोगे उसके बाद ही स्टार्ट करता है कंडक्टिंग प्रोसेस में, तभी आता है। ऐसे ही जर्मेनियम का है, इसको 0.3 वोल्ट देते हैं तभी ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो हम बात कर लेते हैं सिलिकन की, कि सर सिलिकन डायोड के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। तो बेटा, अगर पेपर में आता है कि ड्रॉ दी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप पहले ये ले लीजिएगा, इधर साइड इनपुट वोल्टेज, और ये करंट ले लीजिएगा यहाँ पर, और ये भी इधर साइड रिवर्स का, और ये क्या है? आपका करंट का रिवर्स है। तो बेटा ये इधर फॉरवर्ड के केस में, फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में करंट मेजर करते हैं, बताऊंगा अभी, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका करंट रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो वो माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? माइक्रो एम्पियर में यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि इस डायोड का हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा, मैंने लिखा डायोड इन फॉरवर्ड बायस FB। तो आप इस तरीके से फिगर बनाएंगे, एक डायोड ले लेंगे और यहाँ पर इसको एक सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये इनपुट वोल्टेज है V और ये डायोड है D। तो बेटे, जब इसका पॉजिटिव सप्लाई के पॉजिटिव से और इसका नेगेटिव सप्लाई के नेगेटिव जुड़ता है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड किस तरीके से कंडक्ट करता है? तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सिलिकन का मान लिया, तो सिलिकन का कट इन वोल्टेज कितना है? 0.7। तो यहाँ पर ये 0 वोल्ट है, और ऐसा मान लीजिएगा कि ये आपको इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक, ऐसे करके ये 0.22 का आप गैप ले लीजिएगा, 0.2, 0.6, ऐसे 0.8, इस तरीके से 4, यहाँ पर 4 कर लेंगे, नॉट 6, इक्वलेंट ले लीजिएगा, ये 4 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 6, और यहाँ पर 8, यहाँ 1 मान लीजिएगा। तो ये आपका इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अब इसको आप ड्रॉ करोगे कि सर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। तो बेटा, आपको याद रखना है जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग में, वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इस वाले पार्ट पे, किस में? इस वाले रीजन में, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो देखिए किस तरीके से आपको यहाँ करना है, ये यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने इनपुट वोल्टेज दिया इस डायोड को, तो बेटा 0 पर तो ऑपरेट होगा नहीं, क्योंकि इसका कट इन वोल्टेज कितना? 0.7।
तो 0.2 तक भी कोई करंट नहीं आता, मतलब ऑन नहीं हुआ है डायोड, कंडक्ट नहीं कर रहा है। फिर यहाँ 0.4 तक भी ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, 0.6 तक भी ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि 0.6 तक अगर आप वोल्टेज प्रोवाइड कराते हो इस डायोड के अक्रॉस तो करंट की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है ये इस तरीके से। और जैसे ही आप 0.7 पर पहुँचते हैं यहाँ पर, तो ये डायोड यहाँ तक करंट जीरो रखता है, और 0.7 से ज़्यादा अगर आप इसको वोल्टेज दोगे तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और इस तरीके से कंडक्ट यहाँ तक। तो देखो यहाँ तक के वोल्टेज पर करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो, और ये इसके बाद 0.7 के बाद ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और इस तरीके से ये कंडक्ट करता है। देखिए फिगर ऐसे ऐसे आती है इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स, कि ये यहाँ तक जीरो रहेंगी, फिर ये आपका इस तरीके से आता है, मतलब कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे और करंट क्या करेगा, सैचुरेट कर जाएगा। क्या करेगा, करंट सैचुरेट कर जाएगा यहाँ पर, मतलब वोल्टेज देते जाओ और करंट क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया, मतलब मैक्सिमम हो चुका है। तो बेटे जिस वोल्टेज पर करंट सैचुरेट हो जाता है उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ देखो फिगर में, आप मान लीजिएगा कि ये सैचुरेट हो गया है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, मतलब इसका कितना वोल्टेज है, तो करंट मैक्सिमम ही रहेगा। तो द वोल्टेज एट विच करंट बिकेम सैचुरेट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज। तो बेटे डायोड को कंडक्ट करा रहे हैं हम फॉरवर्ड बायस में, तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है, याद रखना है ना, इस सिलिकॉन के लिए बनाया मैंने। 0.7 तक कोई करंट नहीं आता है डायोड के थ्रू, क्योंकि वो ऑपरेट ही नहीं होता, क्योंकि उसका कट इन वोल्टेज 0.7 है। उसके आगे आप वोल्टेज दोगे तो वो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। ये 12th क्लास में प्रैक्टिकली आप अपनी लैब्स में कर सकते हो, स्कूल्स में, राइट। तो बेटा ये आपका इस तरीके से था। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में क्या होता है, यहाँ पर F की जगह R लिख देंगे और इस टर्मिनल को छोटा और इसको बड़ा कर देंगे, मतलब कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो ये हो जाता है रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में क्या होता है कि हमें डायोड थोड़े से वोल्टेज देने पर स्टार्टिंग में ही करंट उसमें से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको इस तरीके से रीडिंग मिलेंगी। रिवर्स बायस के लिए ये वाला रीजन होता है, तो यहाँ पर ये रिवर्स बायस वोल्टेज है और ये करंट बहुत छोटा होता है रिवर्स बायस में, माइक्रो एम्पियर हम मेजर करते हैं। तो बेटा इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से ही, है ना। तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा। तो ये रिवर्स बायस की जो कंडीशन है बेटे, वो थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ बायस की किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन कि VI करेक्टरिस्टिक्स बताइए और उसमें भी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे फाइनली एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो बेटा ये जरूर लिखें पेपर में, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्थ बायस होता है उसमें करंट मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर मेजर किया जाता है। तो ये सिलिकॉन के लिए था। अगर आपसे कोई पूछे कि जर्मेनियम के लिए बताओ, तो बेटा जर्मेनियम के लिए और सिंपल है, कैसे, वो 0.3 यहाँ आ जाएगा, तो ये डायोड थोड़ी देर के लिए तो वोल्टेज देंगे हम, करंट जीरो रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये ऑपरेट हो जाता है ऐसे करके जर्मेनियम के लिए, ठीक है। तो ये जर्मेनियम के लिए है, ये सिलिकॉन के लिए है, और ये रिवर्स बायस वैसे बन जाएगा इसका। तो बेटे ये थी VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो डायोड को जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो दो मोड में ऑपरेट किया जाता है, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में आपको इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और रिवर्स बायस में आपको इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स मिल रही होंगी एक डायोड की। और ये जरूर याद रखिएगा कि सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है, इतने वोल्ट दोगे उसके बाद डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा, और अगर इतना वोल्टेज दोगे जर्मेनियम के लिए तो उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होती है, अदरवाइज ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होता है ना बच्चों। तो और इसमें न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं कि सर रेजिस्टेंस बताइएगा, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना ही इसको पढ़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और बेटा अगर ये वीडियो पसंद आई है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है, हमारा भी मन करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो बना के अपने बच्चे तक पहुँचाएँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।